हेलो वेलकम, लेट्स डिस्कस क्लास 11 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 नंबर क्वेश्चन, शो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो चलिए करते हैं हम लोग। करने के लिए, शो करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन में जो है क्या कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट मान लेते हैं ए के पास है, कुछ एलिमेंट मान लेते हैं बी के पास है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 1, 2, 3 एलिमेंट है, और भी ज़्यादा भी मान सकते हैं, कम भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसके पास एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, अब 1 by 1 हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, ए के पास क्या हो गए, 1, 2, 3 एलिमेंट, और अब निकालते हैं ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। ठीक है, तो LHS साइड तो हमें पता है, अब RHS साइड निकालते हैं हम लोग। तो RHS साइड क्या हो जाएगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट कॉमन है उसे लिख दो। तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दो। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन जो निकला, अब इसके साथ ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के पास जो भी एलिमेंट है उसमें से बी के पास जो एलिमेंट है उसको माइनस करना है। तो 1 है, यहाँ बी में 1 नहीं है तो 1 लिखा, 2 है, यहाँ बी के पास 2 नहीं है तो 2 लिखा, 3 में से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, और तो कुछ है नहीं कि माइनस होगा, तो 1, 2 आ गया। ठीक है, अब इसका यूनियन निकालते हैं हम लोग। देयरफॉर लिखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के पास क्या एलिमेंट था, 3, इसका यूनियन निकाला, ए माइनस बी के पास क्या एलिमेंट था, 1, 2। अब इसका यूनियन का मतलब क्या होता है, वो सारा एलिमेंट जो वहाँ है बस रिपीट नहीं होगा, तो 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा, ये तो ए ही तो है, ए का यही एलिमेंट थे ना, तो हो गया ये प्रूफ। होप समझ आ रही होगी आप लोगों को। और ये किसके इक्वल आ गया, LHS के। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला करते हैं हम लोग, इसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ LHS ले लिया। ठीक है, LHS में क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए, तो पहले बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए का मतलब होता है बी में से ए के जो भी एलिमेंट है उसको माइनस कर दिया और जो बचा वो लिख दिया। तो यहाँ 3 था, 3 से 3 माइनस, क्या बचा, 4, 5। यहाँ 4, 5 नहीं है तो यहाँ क्या बच गया, 4, 5। ओके, अब इसके साथ क्या कर दो, यूनियन कर दो किसका, ए माइनस बी का। तो ए यूनियन बी माइनस ए, ए के पास क्या एलिमेंट था, 1, 2, 3। यूनियन बी माइनस ए के पास एलिमेंट क्या है, 4, 5। अब इसका यूनियन कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, LHS ये आया। अब हम लोग निकालेंगे RHS। ठीक है, RHS के बाद क्या है, ए यूनियन बी। RHS के पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ए के पास जो एलिमेंट था लिख दो पहले, 1, 2, 3। अब देखो जो रिपीट एलिमेंट है उसे छोड़कर बाकी जो बचा वो लिख दो, तो 4, 5। तो यहाँ से क्या दिखता है कि LHS और RHS क्या हो गया है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और भी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।